हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक बहुत बड़ी बजट की मूवी जिसका नाम है आदि पुरुष रिलीज हुआ था, जो कि बॉक्स ऑफिस में पिट गई और भर भर के गाली सुनने को मिला और मतलब पूरा फ्लॉप ही गया। और लेकिन एक काम आदि पुरुष ने किया है जो कि सेंसर बोर्ड का पूरा आंखें खोल दिया है, और इसी सेंसर बोर्ड का जो आंखें खुलने पर अक्षय कुमार को होने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनका OMG 2 मूवी को लेकर। अभी कुछ दिन पहले ही OMG 2 का टीजर लॉन्च होता है, लेकिन टीजर देखने के बाद हम लोगों का उसका स्टोरी क्या होगा या क्या होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं लगता है। बस इतना पता चलता है कि उस स्टोरी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से महादेव को स्वयं धरती पे आना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ऐसे स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को रिलीज करने से ना बोल दे रहे हैं, बोल रहा है कि सेंसर बोर्ड बोल रहे हैं कि OMG 2 को रिलीज नहीं किया जा सकता, ऐसा सोर्सेस से पता चल रहा है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि OMG 2 के ऊपर अभी टेम्पररी वाला एक बैन लग गया है रिलीज नहीं होने देने पर, क्योंकि रिलीज सर्टिफिकेट अभी सेंसर बोर्ड OMG 2 को नहीं दे रहे हैं उसका स्टोरी की वजह से। तो आज इस वीडियो में OMG 2 का रिलीज होने का चांसेस कितना है या क्यों बैन हो रहा होने का चांसेस है वो लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। मेनली OMG 2 में स्टोरी दिखाया जाएगा कि बोला जा रहा है कि सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड करके ये मूवी होने वाला, और पंकज त्रिपाठी का पास्ट में कुछ हुआ रहता है तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सेक्स एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाए। ऐसा मतलब सोर्सेस से पता चला है, हम पूरा 100% श्योर नहीं होकर ये बात नहीं बोल पा रहे, लेकिन स्टोरी सेक्स एजुकेशन से रिलेट होने वाला है तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी फिर हो सकता है। इसीलिए सेंसर बोर्ड अब बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है कि कहाँ की कौन सा पार्ट मूवी का रखना चाहिए, कौन सा पार्ट काट देना चाहिए, उसके बाद ही मूवी रिलीज होगी। तो एक टेम्पररी बैन कहा जा सकता है रिलीज होने पर OMG 2 का, क्योंकि पास्ट में आदि पुरुष एक ऐसा मतलब कर गया है, एक ऐसा मूवी दिखा दिया है सबको कि मतलब अब सेंसर बोर्ड का भी मतलब अलर्ट हो गया है कि अब जो भी मूवी रिलीज हो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। सोर्सेस से और भी पता चल रहा है कि ये इसकी स्टोरी सेम सेक्स एजुकेशन से भी हो सकता है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें पंकज त्रिपाठी के ऑपोजिट में यामी गौतम रहेगी जो उनके खिलाफ सेट लड़ेगी, अभी तो बस इतना ही पता चल रहा है। तो इसी की वजह से कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, पंकज त्रिपाठी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसके बाद महादेव जी को धरती पर आना पड़ता है उनको मार्ग दिखाने के लिए और उनका कोर्ट को जो केस है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए। लेकिन मेन कंट्रोवर्सी कहाँ उठ रहा है पता है? यहाँ बोला जा रहा है कि शिव जी का जो अर्ध नरेश्वर रूप है उससे कनेक्ट किया जा सकता है मूवी को, और जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है उसको महादेव जी से कनेक्ट किया जा सकता है। और मेन कंट्रोवर्सी यहाँ पे उठ रहा है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड जब ये देखेगा तो उसको 100% पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है पब्लिक के तरफ से। ये सब चीजें जो स्टोरी में ऐड की गई है इसकी वजह से मतलब एक रिलीजियस बिलीफ हर्ट हो सकता है, तो इसलिए कंट्रोवर्सी होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मूवी के रिलीज होने के बाद। जैसे कि OMG 1 भी जब रिलीज हुआ था तो मतलब ऐसा एक स्टोरी दिखाया गया था कि भगवान का नाम लेकर कैसे उसका मतलब मिसयूज किया जा रहा है, और इस स्टोरी में लेकिन OMG 2 में बहुत ही कुछ अलग दिखाया जा सकता है, जैसे सेक्स एजुकेशन जो भी मैंने बोला, तो इसीलिए एक चांसेस बन रहा है कंट्रोवर्सी का और उसका रिलीज पे अब बैन भी टेम्पररी बैन लग सकता है। मुझे पर्सनली अक्षय कुमार जी के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उनका पास्ट में भी जितना सारा फिल्म रिलीज हुआ है वो उतना कुछ बॉक्स ऑफिस में कलेक्ट नहीं कर पाया है, उतना हिट नहीं हुआ है। लेकिन OMG 2 से एक बहुत बड़ा आशा उनको है, मुझे भी OMG 2 से एक बहुत बड़ा आशा था, लेकिन ये जो टेम्पररी बैन होने का या बहुत सारे सीन्स कट होने का बात हो रहा है ये सब के वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कि अगर मेन सीन्स ही कट कर दिया जाए अगर मूवी से, तो फिर मूवी में बचेगा क्या और लोग देखेंगे क्या, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी मुझे अगर जैसे पता चलेगा आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाकी मैं इस चैनल पर ऐसी मूवीज़, वेब सीरीज़ और ट्रेलर टीजर का रिव्यू देते रहता हूँ, और कुछ चटपटा न्यूज़ मुझे मिल जाए तो आपके सामने लेके आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।